सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने नोवो फ्री फायर के बारे में कि नोवो फ्री फायर को आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। जैसे गाइस आप लोग इसकी मेरे को यहाँ पे गाइस मेरे पास नोवो फ्री फायर है, काफ़ी सारे बंदे के पास नोवो फ्री फायर नहीं होगा और गाइस वो नोवो फ्री फायर को खेलना चाहते हैं लेकिन गाइस उसके पास नहीं है तो कैसे खेलेंगे, ठीक है। लेकिन गाइस मेरे पास है, मैं इसको ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग इसकी मेरे को यहाँ पे गाइस मेरा नोवो जो फ्री फायर होता है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो आप लोग भी देख सकते हैं ये नोवो फ्री फायर ही है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। इसको गाइस आप लोग डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हो, ए टू जेड आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर बार है और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना, ठीक है। काफ़ी सारे बंदे प्ले स्टोर के अंदर जाते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए लेकिन गाइस आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा नोवो फ्री फायर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो मैंने सर्च किया नोवो फ्री फायर को, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो नोवो फ्री फायर होता है वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का फ्री फायर मैक्स आ रहा है और आप लोग इसको डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि फ्री फायर मैक्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा इसका MB ज़्यादा है, जबकि 1 GB 1.5 GB का है और काफ़ी सारे जो लो एंड डिवाइस होता है उसके अंदर आप लोग सपोर्ट नहीं करता, खेल नहीं पाते हो, ठीक है। तो फ्री फायर को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, चलो आपको अच्छे से ए टू जेड अच्छे से समझा देता हूँ एंड आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि आपको भी प्रूफ मिल जाए कि भाई मैं जो भी बता रहा हूँ एकदम 100% वर्किंग ट्रिक बता रहा हूँ इसको डाउनलोड करने का, ठीक है। सबसे पहले मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना, कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन करना आपके फोन के अंदर, जो भी ब्राउजर होगा जैसे कि क्रोम ब्राउजर, गूगल ब्राउजर, कोई सा भी ब्राउजर होगा ना उसको गाइस आप लोग क्या करना ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्रोम ब्राउजर है तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको क्रोम ब्राउजर को भाई यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड क्रोम ब्राउजर को गाइस ओपन करने के बाद जो सर्च का ऑप्शन आता है ना जो हम लोग का ऊपर में सर्च का, ठीक है। तो सर्च वाले ऑप्शन पर आपको सर्च करना है गेम कंसोल, ठीक है। आप लोग को गाइस जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ उसी वेबसाइट के अंदर जाना और उसके अंदर ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना गेम कंसोल पे क्लिक करना, जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे लिखना GAMES, ठीक है, gamesconsole.in, लास्ट में गाइस आप लोग .in लगा देना। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे मैंने जो लिख के सर्च कर रहा हूँ यही आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे आप लोगों के सामने जो फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करके ओपन करना है। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे जो फर्स्ट में जो वेबसाइट आया गेम कंसोल के नाम से, ठीक है, ये वेबसाइट को आप लोग क्या करना इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना, ठीक है। हिंदी में नाम है आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना। जिसे क्लिक करके ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा पोस्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन मिलता है सिंपल सा आप लोग को वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्री फायर, ठीक है। आप लोग को सर्च करना है फ्री फायर, जैसे कैसे आप लोग सर्च करोगे फ्री और फायर तो कैसे आप लोगों के सामने एक पोस्ट आएगा जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पोस्ट है जहाँ पे लिखा हुआ फ्री फायर मैच डाउनलोड कैसे करें। तो कैसे आप लोग उस पोस्ट पर क्लिक नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे करना है फ्री फायर डाउनलोड कैसे करें आफ्टर बैन इन इंडिया, ये जो पोस्ट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो इसको गाइस क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे तभी आप लोग फ्री फायर जो होता है नॉर्मल उसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आना है, जब से लास्ट में आपको देखो मिल जाएगा ये जो लिंक आप लोग को मिल रहा है इसमें क्लिक मत करना नहीं तो आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा, ठीक है। आप लोग को नीचे आना और यहाँ पर लोगो मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर नॉर्मल फ्री फायर APK मिल जाएगा, अपडेट का हुआ था डेट मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइज जो है 65 MB का दिया हुआ है, तो 65 MB गाइस जो होता है हम लोग का APK उसका साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या करना है गाइस इसको डाउनलोड नाउ का जो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे गाइस हम लोग का जो टाइमिंग होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग खत्म होते ही गाइस आपको एक न्यू लिंक मिलेगा, उस लिंक से गाइस आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर ले गाइस यहाँ पे 65 MB लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो गाइस देखो 65 MB जो हम लोग का APK होता है ना, कोई भी गन मतलब कोई भी जो गेम होता है उसका APK होता है, उसका APK और OB का फाइल अलग अलग होता है, ठीक है। OB का फाइल 200-300 MB का होता है और APK हम लोग का 60 MB 50 MB ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो फ्री फायर है उसका APK का लिंक यहाँ पे मतलब जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे APK को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है, टाइमिंग चल रहा है, कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक लिंक हम लोग का ओपन हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे गाइस लिंक खोलेगा आपको सिंपल से हमें डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये देखो डाउनलोड देना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको फटाक से यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे हम लोग का डाउनलोड रहना स्टार्ट हो चुका है, 1-2 मिनट के अंदर मेरा जो डाउनलोडिंग होता है वो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको कहना है जो इंस्टॉल वाला ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करके ऐप पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे हम लोग का डाउनलोड रहना इंस्टॉलिंग हो जाएगा। इंस्टॉलिंग होने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है, जैसे आप लोग डन पे क्लिक कर दोगे तो हम लोग का जो गेम होता है ना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। गेम आने के बाद आपको कहना है गेम को ओपन कर लेना है, ठीक है।
जैसे कैसे आप लोग गेम को ओपन करोगे तो कुछ स्टेप से तो ओपन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को गेम ओपन अभी नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को एक और फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फाइल ऑटोमेटिक मेरा डाउनलोड लेना स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे बंदे का फोन के अंदर डाउनलोड लेना स्टार्ट नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूँ जब भी आप लोग फ्री फायर को डाउनलोड करोगे अपने फोन के अंदर कम से कम 1 से 2 GB स्पेस रखना, तब जाके आप लोग नोवे फ्री फायर को डाउनलोड करना, ठीक है। जब गाइस आप लोग का फोन के अंदर स्पेस होगा तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी गाइस अगर नहीं होता है तो क्या, देखो मेरा अभी वाईफाई से कनेक्ट है तो मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोग भी किसी अदर फोन के अंदर हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस ये आपका इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी गाइस इसको आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो गाइस आप लोग कमेंट करना, मैं इसका भी फाइल ओबी का जो होता है वो अपने वेबसाइट के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर से करना कि भाई यार मेरे को ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी एरर आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर से पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो डाउनलोडिंग होता है ये फाइनली यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है, जो कि आप लोग भी देख सकते हो कुछ देर के बाद इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये ऑटो बैक हो जाएगा, बैक होने के बाद आपको गेम को फिर से ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे कैसे हम लोग का जो गेम है फाइनली यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो चुका है, और कुछ देर के बाद कैसे हम लोग का जो गेम होगा ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे लोडिंग जो पेज होता है वो हो चुका है। एंड वहाँ पे लोडिंग होने के बाद देखो यहाँ पे फाइनली हम लोग का जो गेम है इजीली ओपन हो चुका है, ठीक है। गेम वगैरह ओपन होने के बाद कैसे आप लोगों को करना है इसको ओपन करके लॉगिन करके अपना इजीली खेल सकते हो, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। चलो गाइस आज की इस वीडियो अंदर बस इतना था, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।